हेलो एवरीवन, आज है 30 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 4% की बड़ी रफ्तार है। और भाई साहब देखो, जब भी कोई अच्छी खबर आती है, जब भी कोई बड़ा ऑर्डर इनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है, तो समझ लो कि ये दौड़ना शुरू कर देता है। और इस बार भी जो तेज़ी आई है उसकी वजह भी कुछ ऐसी ही है। डिफेंस सेक्टर का एक बहुत बड़ा ऑर्डर इसको मिला है और बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 170 पे आ चुका है, 4% की बड़ी तेज़ी। हालांकि 175 पे गया था, ये बेहतरीन रफ्तार थी। अभी करेक्शन आया है यहाँ पर। अगर आप पिछले एक महीने में देखो तो शानदार तेज़ी है। 120 रुपये से 170 पे गया, तो बहुत बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि पिछले एक महीने में इसने दिखाई है। और एक साल में देखोगे तो 105% का ग्रोथ है। बिल्कुल ऐसे ही तेज़ी अगर आप देखो तो अगस्त में भी देखने को मिली थी। 98 रुपीज़ से 145 रुपीज़ पे गया था, बाद में कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया। और 116 रुपये से अभी जो भागना शुरू करा है इसने, 170 पे गया है। ये बहुत बड़ी तेज़ी है, ये बहुत बड़ी तेज़ी। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, जब भी कोई बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है, कंसोलिडेट किया है, लेकिन इस बार का जो कंसोलिडेशन जो होगा वो उतना बड़ा हैवी कंसोलिडेशन मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ पर हल्का फुल्का करेक्शन होगा, बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वापस से तेज़ी यहाँ पर बरकरार रहेगी। क्योंकि अगर इस कंपनी को लेकर देखें तो सरकारी कंपनी तो है ही, लेकिन इसके अलावा सरकार की तरफ से कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते हुए नज़र आए हैं। चाहे वो पावर सेक्टर से ऑर्डर हो, चाहे वो रेलवे से ऑर्डर हो, या फिर चाहे वो अभी हाल फिलहाल में मिला डिफेंस का ऑर्डर ही क्यों ना हो। और ये कंपनी भाई साहब ऑलराउंडर कह सकते हो यहाँ पर। और इसका फ़ायदा है, जब भी खबर आती है तेज़ियाँ आती है। और पिछले 2 सालों में ऐसी खबरें कई ज़्यादा आई हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी ऑर्डर बुक ग्रो तो हुई है, तो इनके नंबर्स पे वो असर भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल में ये है कि तेज़ी आई है यहाँ पर, और देखा जाए तो बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर है, क्योंकि इनको डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है टू प्रोक्योर 16 अपग्रेडेड सुपर रेड और रैपिड गन माउंट। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है, इंडियन नेवी की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर की जो कुल वैल्यू है वो तकरीबन 2955 करोड़ के आसपास की है। तो जब इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है, डिफेंस का ऑर्डर मिलता है, तो जाहिर सी बात है अच्छी बात है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जो है वो अभी लगातार बड़े पैमाने पर डिफेंस की डील करती नज़र आ रही है। आज ही भैया बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर गवर्नमेंट की होनी है, जिनमें से इसको तो ऑर्डर मिल ही चुका है। इसके अलावा HAL को भी मिलने वाला, तेजस का बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, कोची शिपयार्ड या फिर मझगांव डॉक को भी एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, मतलब दोनों में से किसी एक को ऑर्डर यहाँ पर मिल सकता है। तो गवर्नमेंट लगातार बड़ी तेज़ी दिखा, मतलब ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स देती जा रही है। और आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि एक अच्छी बात होगी। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसका भी ऑर्डर भेल को मिला था, हालांकि एक के साथ पार्टनर किया था भेल ने। तो कंपनी मेरे हिसाब से बेहतर तो है ही, लेकिन जब भी कोई बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलेंगे उसकी खबर आएगी, ये तेज़ी दिखाना शुरू करेगा, इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन देखो भाई साहब, अभी जिस वैल्यूएशन पे बैठा है ये कहीं से भी सस्ता नहीं है। 800 का पी हो चुका है इसका, 800 का। और यहाँ वो मार्केट कैप 57,000 करोड़ है, 800 के पी पर बैठा हुआ है ये सरकारी कंपनी। अगर 800 के पी पर है तो भाई साहब बात ही क्या करें हम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रीज़न भी है 800 के पी पर जाने का, क्योंकि भैया लगातार पिछले 2 क्वार्टर से इसे लॉस करा है। आप देखो, अभी लास्ट सितंबर क्वार्टर में 240 करोड़ का लॉस हुआ है, इससे पहले 345 करोड़ का लॉस था। तो लॉस यहां पर हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में, उससे पहले 600 करोड़ का प्रॉफिट भी था। अगर मान लीजिए कि आने वाले क्वार्टरों में कंपनी वापस से प्रॉफिट करना शुरू कर देती है तो शायद गेम पलट जाएगा, तो शायद ये इस वैल्यूएशन को एडजस्ट होता हम देखेंगे। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होगी, दिक्कत में है ये। और इसका जो असर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। डिविडेंड पेइंग शेयर है, लेकिन अभी 2 साल से ही पे करना स्टार्ट किया है। अब देखिए, 40 पैसा पर शेयर का पिछले साल भी पे किया था, इस बार भी जो डिविडेंड है वो 40 पैसा पर शेयर का ही है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास होल्डिंग है 63.17% की होल्डिंग। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 13.61% की होल्डिंग है, FIs के पास 7.23% की होल्डिंग है, और DLs के पास 15.99%।
म्यूचुअल फंड 4.57% पर बैठे हैं और इंश्योरेंस वाले 11.01% पर बैठे हुए हैं। अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा कि यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउस, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं उनके पास है, चाहे वो एफ आई हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, तो अच्छे खासे क्वांटिटी ज़रूर है। लेकिन अभी जो एक कंसर्न्स मुझे लग रहा है वो बस और बस वैल्यूएशन का है। क्योंकि देखो कंपनी खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूं कंपनी खराब नहीं है, लेकिन 800 का पी किसी गवर्नमेंट कंपनी के लिए भाई साहब डाइजेस्ट करना मुश्किल है। हालांकि पॉजिटिव खबरें हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुन भी रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से ये ऑर्डर मिल गया, यहाँ से वो ऑर्डर मिल गया, यहाँ मिला वहाँ मिला, ये सारी अच्छी बातें हैं। ठीक है, अगर आने वाले टाइम में इनके नंबर्स में भी वो चीज़ें देखना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली ये जो हाई वैल्यूएशन है उसको ये कंपनी एब्जॉर्व कर लेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जब तक वो एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहेगी। तो अभी के लिए देखो, जो जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग के, तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैं देखूँ तो भैया रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है, बहुत कम मैं कहूँगा यहाँ पर। और यही वजह है कि एटलीस्ट इस प्राइस पर हाथ डालना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। हालांकि यहाँ से ये 180 190 तक भी जाने के पूरे दमखम रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऑर्डर्स आपको अनाउंस होते नजर आएंगे जो कि अच्छा काम करेंगे, लेकिन बाद में करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स भी जब आएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस तरीके के नंबर्स वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ तक बात है भाई साहब फंडामेंटली देखा जाए इस कंपनी को लेकर तो खबरें बहुत अच्छी है, लेकिन फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो वो थोड़े से वीक अभी नज़र आ रहे हैं। खास करके इनके प्रॉफिट्स नंबर्स देखे, पिछले 2 क्वार्टर के नंबर देखे तो वो वीक है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी पॉजिटिव हो जाने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर कंपनी धीरे धीरे अपने नंबर्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, कहीं ना कहीं वो इनको हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। और मैं मानता हूँ कि भैया कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, यही मैं कहूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में आपको भर भर के स्मॉल कैप और मिड कैप देखने को मिलेंगे, कई बार पेनी स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी बात करूँ, चाहे वो डिफेंस की हो या फिर मैन्युफैक्चर की हो, उसका नाम कमेंट में लिख के बताइएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।